मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। इस याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और गिरफ्तारी को वैध माना है। कोर्ट ने कहा कि ये जमानत का मामला नहीं है, गिरफ्तारी को चुनौती है। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ईडी की रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता है। कोर्ट का कहना है कि ईडी की दलील है कि अब तक के सबूत ये बताते हैं कि केजरीवाल संयोजक है। गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। केजरीवाल के वकील ने इसका विरोध किया और उन्होंने शरद रेड्डी और राघव मुंगता के बयान का जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाह बनने का फैसला कोर्ट करती है, न कि जांच एजेंसी तय करेगी। अगर सवाल उठता है तो फिर मजिस्ट्रेट के ऊपर सवाल है। हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी के मुताबिक जांच नहीं हो सकती है। कोर्ट को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, सीएम के लिए स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने याचिका में एजेंसी की तरफ से की गई गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया था। साथ ही कहा था कि ये लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक जेल में ही रहेंगे। तो कोर्ट के इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।